Welcome to my channel. This is Sam. I'm playing Elden Ring. So as you guys know that we have two stone sword key right now. Two of them, right? We have two stone sword key. So we will go back. And open the door that I was unable to open when starting the game. नीचे आना, then stone sword की use करना, and then I think we have to we can find a boss there. 100% जब भी stone sword की हम लोग use करते हैं, वो जहाँ भी use करते हैं उसके आगे एक boss तो होता है यार. Is this poison? Wait, let me see if I have anything for poison first. Can this be poison? Can I jump or? Is this a poison? Is it me? जो चाहिए सब है मेरे पास. ये बनाता हूँ. ये क्या करता है तुम देखे हो? एलिमिनेट्स पॉइजन, बिल्ड अप एंड क्यूर्स पॉइजन. अभी मैं अगर इन्वेंटरी में जाऊंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा. सबसे ऊपर ही है, ये था मेरे पास पहले ही. चलो, यू कैन जंप और यू कैन यूज दैट. ये लगता है वैसे ही है, मतलब मैं थोड़ा दूर दूर जाऊंगा. स्टिल अबाउट इट्स रेंज समथिंग लाइक दैट. Thank you.
की बात है। चला जाता देखिए बेंचो तो नीचे चला गया, इस साइड चला गया। था ना क्या नाम है मूवी का, बाहुबली में दिखा था ना बलराम जैन, एक सामने रात के सामने चक्र लगाए घूमता था, वैसे इसको भी हाथ में लिया है चैरियट लेके घूम रहा है हरामी का औलाद। इसको लगता है ये चैरियट इसको बचा सकता है, नहीं वे चैरियट तुमको नहीं बचा सकता।
बात मान मान के मेरा हेल्थ कितना घटा दिया राम का बच्चा। से कूद सकता हुआ हूँ कितना दूर चला गया था यार। ये सब चेक करता है कौन गया कौन नहीं गया कौन किधर से जा रहा है कुछ हरामी का पिल्ला चेक करता है। अभी तो मरना नहीं है इधर सांस ले लेता हूँ। हील होने ही नहीं दिया हमारा मेरे बिल्ला हील होने ही नहीं दिया मेरे को। चार आ गया यहाँ से कहाँ से चार आ गया यहाँ पे यार देखो इतना फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है इतना लेवल बढ़ाने का लेवल 81 करके मैं आया हूँ इधर फिर भी इतना फ्रस्ट्रेट कर रहा है ये जगह। ये स्टोरी के एकदम शुरुआत पे है मैंने बोला ना ये ट्री सेंटिनल एक था जो बहुत ग्रीफ देगा एकदम शुरुआत में प्लेयर्स को और ये एक जगह है जो मेरे को लेवल 81 में भी ग्रीफ दे रहा है। इसका बॉस का मैं सोच रहा हूँ ये लोहे का बाल इतना झाड़ बराबर है ना देखने में ये इतना गिरी दे रहा मेरे को मेरे को पॉइजन वाला को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तो मैं बना ही सकता हूँ बनाने के लिए उतना ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है।
को इधर कुछ दिखा था यार ऊपर। वो ये देखो बॉल्स, मुझे जो लग रहा है कि वही है क्या। अरे यहाँ से नहीं भी नहीं होता है, तो मेरे को भी ऊंचा जगह जाना पड़ेगा तब जाके कुछ होगा। मैं गया नहीं बचा भाई साहब।
से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम सारे दर्द मारे हैं। देखो सामने वाला ऐसा जगह नहीं दिख रहा है, इसको जगह दे। जल्दी भाग, जल्दी भाग, जल्दी भाग, जल्दी भाग। अरे बाप रे बाप, कैसे तो जगह मिला। मेरे को एक चीज समझ में आ गया, ऊपर जो बॉल मैंने देखा था वही, उसी से मारना है इसको। ये अंदर नहीं जा सकता 100%। मेरे को तो बाहर जाना है भाई, सीढ़ी वीढ़ी कुछ नहीं है, इधर आगे जाने का भी कोई रास्ता नहीं है, मतलब मैं गलत रास्ते आ गया। डिस्टेंस ज्यादा नहीं है ना, और इसका स्पीड, स्पीड भी इतना खतरनाक है। ये देखो यहीं से घूम के आ रहा है, मतलब ये जो ऊपर जाएगा तभी मेरे को यहाँ से निकलना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। और इस बीच में अगर मैं गया तो मैं गया। अरे रुक जाता हूँ इधर, हरामी हरामी का पुलिया है बेटा, अब भी मरता है, अब भी मरता है। चलो अभी नीचे जाता, जल्दी भाग बेटा, जल्दी भाग, भाग में लिखा भाग। पता नहीं नीचे कुछ होगा शायद, बच गया भाई, एक मिली सेकेंड से बचा मैं। कितना पड़ जाएगा ये, यहाँ पे तो पहले सामने वाला जगह ढूंढ लो, फिर यहाँ पे बॉस, बॉस फाइट है यहाँ पे। बोला ना यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, दिख नहीं रहा है, मतलब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। इसको मार ही लेते हैं, ये
के बीच से भी सही है। दीवार के बीच से भी मारता है, सही है भाई। इसको तो अलग ही लेवल है यार। एक से तो नहीं हो रहा है, एक तो इसको मतलब खा ही जा रहा है। मैं तो बुलाता हूँ, सरेटेड ट्री स्पिरिट। मेरे को लगता है हाँ ये शील्ड वाला ही बुलाता हूँ, नहीं तो हाँ सही बोला है, सही बोला है। आ गया तो बुलाता हूँ। उससे भी नहीं हुआ यार,
ये क्या मतलब मैं अंडर लेवल्ड हूँ कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एंट्रेंस जाता हूँ लेकिन यहाँ पे और भी कुछ मिलता है। कितना आसानी से कुछ बात कितना कुछ छूट जाता है। मैं दिखाता हूँ अभी, ऐसे नॉर्मल कूदना है भाई, बहुत ऊंचे से कूदना है, डरना नहीं है, ऐसा नहीं समझना है कि ये जो नोट का क्या बता दिया, कूदने के बाद तो मेरा हालत खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कूदना तुमको पड़ेगा ही और तुम कूदोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। ये वाला नहीं, मैं दिखाता हूँ कौन सा जगह कूदना है, इसके साथ ही नीचे जाऊँगा। Apparently, if you do this, you will get. Okay, यार इसके बारे में भूल गया था। एक तो होता नहीं है ऊपर से। This place is very important. Let me show you how I should have. So you come to this area, you jump here. Yeah. Don't worry, he cannot come this way. So you can see the bridge, you are just under this narrow bridge. So forward, go forward this way. You may find this. Holy sh! मैं ही पहली बार आ रहा हूँ इधर, तो मेरे को ही लग गया आग। उसको पता है हम लोगों की ऐसे काम करता है ये आग वाला। लेकिन अभी बस इन्हीं लोगों से बच के रहना है,
ये छोटे छोटे बंदर जैसा आ जाते हैं ना, ब्लड लॉस कर देते हैं दो तीन हिट में, दो तीन भी नहीं एक हिट में ब्लड लॉस स्टार्ट कर देता है लोग। मारना नहीं था यहाँ से और जंप करना था नीचे, लेकिन मैं इधर आ गया। अबे आजा, उस छोटा सा जगह में फाइट नहीं करना चाहता मैं, नीचे गिरूंगा तो कहानी खत्म हो जाएगा ना मेरा। अरे मेरा ये खत्म हो गया था, एफ पी खत्म हो गया था यार, पूरा खत्म हो गया था एफ पी, मैं ध्यान ही नहीं दिया उस तरफ। ऐसे मार के चेक करना पड़ता है साला, एचयूडी गायब हो जाता है। कुछ नहीं, जैसे जा रहे थे वैसे ही जाएंगे, बच बच के जाना है बस, और कुछ नहीं। असली बॉस को तो हम लोगों ने मार ही दिया, और क्या, अभी बॉस ही था जो थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि वो एक तो स्पेस बहुत छोटा है, स्पेस इतना छोटा है, उसका चेहरा इतना बड़ा है, और पूछ से मारता है, मुंह से खा जाता है, क्या क्या नहीं करता वो, बाप रे बाप। ये लगेगा एक मजा नहीं आता, बस ये बचा सकता पॉइजन से। अरे भाई, एक चीज याद रखना कि ये इससे आगे नहीं बढ़ पाता है, उनको भी देख के चलना पड़ेगा कि उससे ज्यादा तुम चल गए और उसने तुमको देख लिया, पकड़ लिया तो खत्म। Yeah.
अरे यहाँ पे फाइट नहीं लूंगा, डायरेक्ट नीचे आ जाऊंगा। नीचे आप लोग आके आप लोगों को पता है क्या करना है, यहाँ से कूदना है बस। उसको तो मैं उसका औकात दिखाऊंगा ही। ये बहुत जरूरी है करना, अगर तुम नहीं करोगे और तुम एनिमी के सामने जाके एफ दबाओगे ना तो ये एरो मारता है। मैं शिकार हूँ भाई, शिकार हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। एक काम कर सकता हूँ, दौड़ के जाता हूँ उसको लेके भाग जाता हूँ। ये लोग यहीं पे सामने कहीं पे हैं, ये लोग उतरेगा अभी, देख रहे हो। भाई आज तो मतलब लगता है एक वीडियो इन लोगों पर डेडिकेट करना पड़ेगा यार। सच में इन लोगों पर डेडिकेट करना पड़ेगा एक वीडियो कि ये जो जगह है यहाँ पे ये कितना खतरनाक जगह है, कितना खतरनाक जगह है, कितना खतरनाक जगह है कि भाई झाट नहीं उखाड़ पा रहे हो तुम। वहाँ पे कुछ चीज तो है वो सब, मतलब अच्छा कुछ है वहाँ पे जो नहीं मिल रहा है, मतलब नहीं लेने दे रहा है वो, कुछ अच्छा ही चीज होगा इसलिए तो दो दो चूतिया गाट कर रहे हैं उसको। ये क्या है वो तो मिलेगा उसके बाद ही पता चलेगा। मैं इतना दूर आया हूँ यहाँ पे, इससे पहले भी मैंने देखा होगा कि क्राफ्ट कर लेता हूँ यार। दो ही बना पाऊँ मारे भाई, इसका मतलब ज़्यादा चांस नहीं है मेरे पास ये जगह रिपीट करने का। जितना जल्दी हो सके इसको खत्म करना पड़ेगा भाई। पिछला बार तो ये 19,000 यहाँ पे था, लेकिन अभी 19,000 लेने के लिए मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा।
फिर दूसरे का देखा जाएगा। कंटिन्यूअस कुत्ता है भाई ऊपर। इसका कूदने का स्टाइल, हाथ में एक हाथ में फिर शील्ड लेके बैठा है। आगे कितना मार आएगा? और एक हरामी बचा हुआ है, और एक जो हरामी बचा हुआ है ना उसको भी ऐसे ही मारना पड़ेगा। गया किधर ये दूसरा वाला? गया किधर ही चाहिए। ट्रीज फेवर, देखो मैंने बोला था ना अच्छा कुछ ही मिलता है इधर। देखो यहाँ से उतरना है नीचे, यहाँ पे तुम यहाँ पे आओगे, आसपास कोई भी तो नहीं है। देख लेता हूँ कि भाई जो मैं करने आया हूँ इधर, ये करने जाऊँगा तो तब सलाह। ठीक है ऊपर ले जाना भी ठीक है। क्यों के मेरे को हराम को मारना है? हाँ सही है, देखो कितना कुछ मिल रहा है। नहीं तो नहीं होगा ना। आ रहा ऊपर आ रहा
रहे हैं इस करियर में। लोड करते करते तो भाई गिर टाइमिंग इतना टाइम लेता गिरने नहीं है। यहाँ से चार जो निकलेगा तभी मारना पड़ेगा हमें। पानी खत्म, इसको मारने का पानी खत्म, इसको मारना खत्म, इसको मारने का भूल गया। ये जगह देख लिया आप लोगों ने क्या करना है, शायद ये फिर से आएगा लेकिन मेरे को वैसे निकलना पड़ेगा। केव ऑफ नॉलेज नहीं है ये, कहता हूँ फिर से चाहता हूँ अंदर। हाँ भाई साहब इसको मार क्यों रहा हूँ पता है, मैंने कहीं पे देखा कि इसको अगर तुम मार पाओ इसको वही गिरा के मारना पड़ेगा, वो बॉल ऊपर से गिरेगा। टाइमिंग सब कुछ टाइमिंग का खेल है भाई, अगर तुमने इसको मार दिया तो एक मिलेगा, एक चीज़ मिलेगा, मैं नहीं बताऊँगा, अगर मैं कर नहीं पाया तो मैं फिर बता दूँगा, अगर कर लिया तो दिखा दूंगा ना डायरेक्ट, लेकिन भाई इतना आसान नहीं है। देखो मेरे पास अभी ये तीन है, मतलब तीन ही चांस है मेरे पास, जितना हो सके तीन ही चांस में करना है, क्योंकि इसके बाद तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि पॉइजन का कुछ नहीं है, बिल्डअप नहीं है, पॉइजन बिल्डअप का कुछ नहीं है मेरे पास, जो है वो बन चुका है। फिर से मेरे को कलेक्ट करना पड़ेगा सामान, फिर जाके कुछ होगा। स्पाने दो ऊपर, अभी चलो पीछे पीछे, पहले इसमें रुकता हूँ। अब टाइमिंग का खेल है भाई, ये 10-20 सिक्कों के लिए नहीं थोड़ी आता मेरे को। जहाँ पे मारना जरूरी है वहाँ पे तो मारोगे ही ना।
अभी वो सब नहीं है कि अभी से उससे लड़ना है जो गार्ड रहता है वहाँ पे वाइट कलर का ड्रेस पहने हुए से उससे लड़ना है उसको हराना है। बाकी तो सामान हम लोग वहाँ से ले चुके हैं, लेने लायक कुछ नहीं है। इधर इसको भी वो नहीं, ये तो इधर नहीं है ना, ये तो इधर ऊपर है। इसको भी मार रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मेरे को शांति से मारना है उसको। मैंने बोला ना सब कुछ टाइमिंग का खेल है इधर। इफ यू मिस टाइम यू विल नेवर हिट। मैंने तीन बार कोशिश किया, तीन बार में एक बार भी नहीं हुआ। मैंने बोला ना ये पूरा टाइमिंग का खेल है, एकदम टाइमिंग से मारो उसको तभी जाके तुमको रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं तो भाई रिवॉर्ड किस चीज़ के लिए है कि नहीं अभी देखना पड़ेगा वो है कि नहीं वो चीज़ वहाँ पे। पहले तो इसको मारता हूँ, चलो गायब होता है आदमी, गायब होते होते रहता है, गायब को गायब करना पड़ेगा पहले। से निकलेगा तभी मेरे को बुलाना है। इसका टाइमिंग देखते रहना, ये घूमना। अरे यार ये देखो व्हाट ट्रिगर्ड बॉय, इसके लिए मैं बोल रहा था। अब इसको हटाओ, ये लो। अरे अनेबल ठीक है, FAI भरा लूंगा, फेज भरा लूंगा अपना। लेकिन भाई ये बो देख रहे हो, ये बो देख रहे हो भाई, तोड़ के रख देगा ये वो अपने साइज से, वो मेरे सोर्ड से भी ये बड़ा लग रहा है, इसीलिए तो इतना मेहनत कर रहा था भाई। फिलहाल के लिए हटा देता हूँ इसको। ये क्या है ओ साला, अच्छा अभी समझ में आया। मेरे को लगता था कि ये अभी मेरा सोड ये पॉइजन से ढक गया है, ये पॉइजन इम्यून हो गया है इसमें, तो अभी समझ में आया कि ये क्या था। मेरे को पहले समझ ही नहीं आता था भाई। अभी मेरे को जाना पड़ेगा उसमें, तब जाके मैं चेंज कर सकता हूँ रिमेंबर स्पेल्स। यही अरे फर्स्ट टाइम यही पे चलता हूँ ना, यहाँ पे दिखाता हूँ जो जो मैं यूज़ कर सकता हूँ अभी वो अभी आ जाएगा। ये देखो इस पे आने के बाद ये कहाँ गया, मेमोराइज स्पेल्स, ये सब मैं सिर्फ ये दोनों यूज़ कर सकता हूँ ना, ये सोर्ड का ये वाला और ये फायर फ्लेम स्लिंगी वाला। ये होता है एनचांस राइट हैंड आर्नामेंट विद पॉइजन और ये थ्रोज वॉल्स ऑफ रेजिंग फायर। अब इसको चेंज कर लूंगा और फिर देखो इसमें एपी यूज होता है,
नहीं भाई एनिमी पे यूज करूंगा तभी मेरे को समझ में आएगा कितना डैमेज देता है। अरे हाँ भाई ठीक है, इसका सिर्फ एक ही बात है, मेरे को तो नया नया चीज यूज करके मजा आ रहा है, गेम में मजा आ रहा है पहली बार। अभी सारा चोट चोट के मारूंगा। ओ हाँ, जो ऐश और एशेस ऑफ वॉर है वो मेरे को राउंड टेबल में जाना पड़ेगा उसको लगाने के लिए सोच में, तो मैंने वीडियो देखा था एक, समझना पड़ता है अभी। सिलेक्ट करो टू फोर्टी फोर डैमेज साला चूतिया। ये हो गया दूर से मारने का। अभी तो एरो एरो भूल जाओ यार, एरो क्या चीज है भाई, एरो कौन सी चिड़िया का नाम है, अपन के पास ये है ये ले मर जा बैंक। जिंदा किसने रखा है तेरे को, अपन नहीं जिंदा रखा है, बाप से ऐसे बात करेगा। हाँ एक चीज है कि मेरे को मतलब अभी पूरा ध्यान देना पड़ेगा एफपी पे, पूरा ध्यान एफपी पे, एफपी एफपी मैंने माइंड इंटेलिजेंस में दिखाता हूँ कि एफपी बढ़ाऊंगा। यहाँ पे लेवल अप पे आता हूँ तो ये जो एफपी है ये एफपी बढ़ता है। अरे मेरे पास नहीं है अभी, 20,000 और चाहिए तब दिखा पाऊंगा। ये माइंड से बढ़ता है, इंटेलिजेंस से बढ़ता है, ये दोनों से ही एफ पी बढ़ता है। और फेथ और आर्किन आर्किन से तो ये डिस्कवरी बढ़ता है, फेथ से शायद ये आर्मर इंटरमीडी से बढ़ता है, लेकिन इंटेलिजेंस मेरे को लगता है माइंड से, तो माइंड से एफ पी बढ़ता है, माइंड से ही एफ पी बढ़ता है। अच्छा तो इसको अभी चांस कर लूँगा, ग्राइंड मतलब अभी ग्राइंड होगा, पीसूंगा भाई, चटनी बनाऊंगा। चलो भाई गाइस, चलो देख।